कौन सी बात होती है? उनको समझा देना, उनकी सेहत पे शायद हो सकता है फर्क ना पड़ता हो, लेकिन गुप्ता खानदान की जो इज्जत है ना, वो उछल जाती है। समझा देना जाके। कामिनी, बहुत अच्छे से जानते हैं हम अपनी बहू को, और वो अपनी मर्यादा जानती है। अरे अम्मा, हम तुम अपनी जबान बंद रखो। गायत्री, तुमने क्या देखा वो तो हमें पता नहीं, लेकिन ये जो कुछ भी तुम कह रही हो उस पर विश्वास करना जरा मुश्किल है। चाची जी, वो मैंने जो देखा वही कहा। मुझे नहीं पता था कि बात इतनी आगे बढ़ जाएगी। मैं सिर्फ प्रसाद देने आई थी। चलती हूँ। खुश हो। तुम्हें यशोदा की सास को जाके ये कहना है कि कल रात तुमने मुझे और यशोदा को आइसक्रीम खाते हुए देखा। यशोदा की सास यशोदा पे बहुत यकीन करती है, वो नहीं मानेंगी। अरे कितना भी यकीन हो, एक बार शक का कीड़ा दिमाग में घुस जाता है ना, तो अंदर से खोखला कर देता है। जाओ, तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? जाके नाश्ता पानी की तैयारी करो, वकील साहब आने वाले होंगे। हम ये बात यशोदा के कानों तक नहीं पहुंचाना चाहते, उससे पहले ही हम जायदाद अरविंद के नाम कर देंगे। बड़ी बेबी, रुक। अरविंद, होश आया? क्या और पानी फेंको। चाचू, आप कृष्णा भैया के साथ ऐसा नहीं कर सकते। अरविंद गुप्ता, अभी जो बोला सो बोला, लेकिन अगली बार से मेरी माँ से तमीज से बात कीजिएगा। अगर आपने मेरी माँ को घर से निकाल दिया तो उनसे आपके कोई रिश्ते भी नहीं हुए ना, फिर आप बीच रास्ते में उनसे ऐसे बहस क्यों कर रहे हैं? क्यों क्यों नहीं कर सकते? ये कुछ भी कर सकता है? हाँ, सड़क पे सबके सामने हमें बेइज्जत कर सकता है, बदतमीजी कर सकता है, हमें धमकी दे सकता है, हमें यह सिखा सकता है कि मालिक कैसे होते हैं। जहां तू खड़ा है ना, ये घर हमारा है और यहां हमारी मर्जी चलेगी। और एक बात और, तुझसे हमारा कोई रिश्ता नहीं है। और अगर कोई तुझसे रिश्ता रखता है तो उससे भी हमारा कोई रिश्ता नहीं है। चल निकल, निकल यहां से। रुकिए, मैं रहने नहीं आया हूं, बस बड़ी बेबी को लेने आया हूं। अरे देखो कृष्णा भैया, तुमको जो भी बाबा बेबी करना है ना, तुम घर से बाहर जाके करो। यहाँ पे खड़े होकर रायता ना फैलाओ, समझ में आ रहा है? निकलो घर से बाहर। दरवाजा उधर है, चलो यहाँ से। हम रहने नहीं आए हैं यहाँ, आस्था को ढूंढने आए हैं, मिल नहीं रही है वो। और अगर आप लोगों को पता है कि बड़ी बेबी कहाँ है तो आप प्लीज बता दीजिए ना। ए, चुप कर। चौखट से बाहर, चौखट से बाहर खड़ा होकर बात कर हमसे। चल निकल। नहीं आस्था यहाँ पर, और हमें सुन के कोई हैरानी नहीं हो रही है कि आस्था घर छोड़कर चली गई, क्योंकि ये तो होना ही था। यशोदा, हमने तुमसे बहुत पहले ही कह दिया था कि इस कृष्ण के चक्कर में आके तुमसे सब एक एक करके दूर चले जाएंगे और अंत में तुम अकेली रह जाओगी। और उस वक्त ये कृष्णा भी तुम्हें छोड़कर चला जाएगा, देख लेना। अम्मा बताइए ना, आस्था आई थी
कुछ कुछ पता है क्या? नहीं यशोदा, आस्था यहाँ नहीं आई और ना ही हमने देखा उसे। अरे ऐसे बच्चे के लिए तो घर छोड़कर के चला जाना ही अच्छा है। जिसकी माँ आधी रात को किसी पराए मर्द के साथ सड़क पे खड़े होकर के हंसी ठट्टा करे, आइसक्रीम खाए, है? सारे सबूत आपके खिलाफ है। हत्या की है आपने हमारे बच्चे की। जाजू, मम्मी ने कुछ नहीं किया। इन्होंने क्या किया है क्या नहीं किया है इसका फैसला कानून करेगा। अब प्लीज यहां से जाइए, जाइए भाभी जाइए। अपनी बेटी और दरवाजे पर खड़े अपने उस बेटे को लेकर यहां से जाइए, इससे पहले कि उनका आपा खो बैठे। जाइए नानन जी, अब चलिए घर। चलिए मम्मी, दीदी अगर यहाँ पे होती तो जरूर आती, हम कहीं और ढूंढ देंगे। मैं देखती हूँ आस्था को। यशोदा, तुम्हारे पास इस घर की एक चाबी है, वो हमें वापस करो, क्योंकि ना तो तुम अब इस घर की सदस्य हो और ना ही तुम्हें चाबी रखने का कोई हक है। लाओ वापस दो हमें। चलो कृष्णा। वकील साहब, ऐसा नहीं करना चाहिए था दीदी, वो सबको परेशान करती रहती है। इस लड़की को हो क्या गया है कुछ समझ नहीं आता। तुम घर जाकर कपड़े बदल लो, सर्दी लग जाएगी। वरना एक काम करो, तुम दोनों घर चले जाओ, मैं देखती हूँ आस्था को। नहीं मैडम जी, मैं ठीक हूँ। आस्था मिली कहाँ चली गई सुबह सुबह? नहीं पता कहाँ चली गई सुबह ये यशोदा के ससुराल वालों का मोहल्ला है, यहां मैं जितनी देर यशोदा के साथ रहूंगा लोग उतनी देर देखेंगे, बातें बनाएंगे। आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, हम साथ में मिलकर ढूंढेंगे, मिल जाएगी अभी, प्लीज डोंट वरी। नहीं सर, हम लोग ढूंढ लेंगे, थैंक यू। अरे गाड़ी खड़ी है यहाँ पे, पैदल पैदल कहाँ भटकोगे तुम लोग, चलो। नहीं सर, हम लोग देख लेंगे, आप जाइए। तुम क्यों इतना इंसिस्ट कर रहे हो कि मैं चला जाऊं, क्या बात है? सॉरी सर, लेकिन अगर आप यहाँ रहेंगे तो लोग देखेंगे और मैडम जी के बारे में बातें बनाएंगे, और हमारा घर इसी मोहल्ले में है इसलिए। कृष्णा, इनमें से कोई मदद कर रहा है तुम्हारी, साथ खड़ा है तुम्हारे, कोई फर्क पड़ता है कि वो क्या बोलते रहते हैं? अगर मैं चला भी गया ना यहाँ से तो भी बात करते रहेंगे, बकवास करते रहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मुंह थोड़ी बंद कर सकते हैं उनका। चलो प्लीज प्लीज, ठीक कह रहा है वो, इसलिए मैं भी अब जाइए ना प्लीज, हम ढूंढ लेंगे आस्था को, प्लीज प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओके ओके, आई एम गोइंग, लेकिन प्लीज इतना ध्यान रखिए, अगर थोड़ी देर में नहीं मिलती है तो मुझे फोन कीजिएगा, पुलिस में इत्तला करनी पड़ेगी। आर यू अंडरस्टैंडिंग? यस आई विल।
यशोदा और उसके परिवार की बर्बादी में सबसे बड़ा रोड़ा तू बन रहा है कृष्णा। कोई बात नहीं, अब तुझे ही रास्ते से हटाना पड़ेगा। घर नहीं गई है तो कहाँ चली गई है लड़की? बाबूजी, हम कहते हैं आस्था को आपको इस घर में रखने की क्या जरूरत है? अब उसका अपना घर है ना, भेजिए उसे भाभी के पास। अरविंद, ये घर भी आस्था का है और अगर वो यहाँ रहना चाहती है तो रहेगी। भाभी ने जो किया उसके बाद। अरविंद, यशोदा पर यूं इल्जाम मत लगाओ तुम। जल्दी इल्जाम भी साबित हो जाएगा। साबित हो जाएगा तब कहना, उस दिन हम भी उसे माफ नहीं करेंगे। अभी तुम जाओ अपने कमरे में और जाकर महुआ को संभालो, जाओ। आस्था, हमारी एक बात याद रखना बेटा, मां से बढ़कर दुनिया में कोई नहीं होता बेटा, कोई भी नहीं। और तुम उस मां को छोड़कर आई हो जिसने अपना सब कुछ तुम पर न्योछावर कर दिया। तुम्हारी इस हरकत से हमें बहुत तकलीफ हुई है, गलत किया तुमने, बहुत गलत। मैडम जी, उसके फेवरेट आलू के पराठे बनाती हूँ। नूपुर को स्कूल छोड़ने जाऊंगी तो वो मिलेगी ना, उसे दे दूंगी, फिर उससे बात करूंगी, उसे समझाऊंगी, मान जाएगी ना। मैं भी समझाऊंगी मम्मी। स्कूल के लिए रेडी हो जाओ दोनों, मैं फटाफट आलू के पराठे बना लेती हूँ। जाओ जाओ जाओ। यशोदा, यशोदा तुम कब देखा था मुझे और रणधीर जी को एक साथ आइसक्रीम खाते हुए? दरअसल कब देखा था मुझे और रणधीर जी को एक साथ आइसक्रीम खाते हुए? एक्चुअली यशोदा, वो मैंने नहीं देखा था, वो नहीं देखा था तो फिर कैसे पहुंच गई मेरे ससुराल मेरे कैरेक्टर पर उंगली उठाने के लिए? गायत्री, तुम देर हो गई है, हम जल्दी ऑफिस पहुंचते हैं, आइए। रणधीर जी, आप जाइए, मैं रिक्शा लेकर आती हूँ। क्यों क्यों क्यों? मतलब मैं आपके साथ आपके गाड़ी में आऊंगी, कोई देख लेगा, बात का बतंगड़ बन जाएगा। मैं, आप जानते हैं पहले से बहुत प्रॉब्लम्स हैं, मैं एक नया प्रॉब्लम नहीं चाहती हूँ, प्लीज। छोटे शहरों में आपको ये प्रॉब्लम आती ही रहेगी हमेशा। चलिए ठीक है, मैं चलता हूँ, आप आइए। हाँ, मैं थोड़ा आगे से रिक्शा पकड़ लेती हूँ। हेलो, क्या मैं अभी आती हूँ पुलिस स्टेशन। जी जी, अभी अभी। क्या बात है, क्या हुआ? पुलिस आई थी मेरे घर मुझे गिरफ्तार करने, मैं घर में नहीं थी तो उन्हीं का फोन था,
गिरफ्तार करने? किस लिए? अरविंद भैया ने वो मेरे देवर केस किया है मुझ पे। उनकी बीवी महुआ प्रेग्नेंट थी ना, तो केस किया है कि मैंने उसे जहर दिया है और उसी की वजह से उसका बच्चा मर गया। इसे ही कहते हैं फैमिली, आप परिवार। इतना बड़ा झटका दे देते हैं कि आपके यहाँ लोग ऐसे ही। अब नहीं जा सकते हैं पुलिस स्टेशन, आपको अदालत चलना पड़ेगा पहले, अगर इन जमानत लेनी पड़ेगी। पुलिस स्टेशन जाएंगे तो धर लेंगे आपको, समझ गई? आ जाइए। मैं चलिए प्लीज। कोई क्या सोच रहा है ये सोचने का अब मौका नहीं है आपके पास। जिसे जो सोच रहा है सोचने दीजिए। अरे लोगों की जबान पे आप कंट्रोल नहीं कर सकते, उनके ब्रेन पे कंट्रोल करेंगे क्या आप? आप और मैं जानते हैं कि हमारी सच्चाई क्या है, उनको बताने की जरूरत है क्या? प्लीज चलिए, प्लीज आइए, प्लीज। और जब तक सच्चाई से पर्दा नहीं हटा देंगे, चैन से नहीं बैठेंगे। सच्चाई से पर्दा हटाने के लिए हमने पुलिस में FIR की है। अब पुलिस पता लगा लेगी कि आपके बहू ने जहर दिया है या नहीं। अरविंद, किसी के बारे में इतना बड़ा फैसला लेने से पहले एक बार उसके अतीत के बारे में भी सोच लेना चाहिए बेटा। ये नहीं होता कि आज अगर किसी बात पर मतभेद है तो उसका पिछला किया धरा तुम सब कुछ भूल जाओ। तुम्हारे लिए, इस घर के लिए यशोदा ने क्या कुछ नहीं किया। एक बार, बस एक बार याद करके वो सब सोचोगे ना, तो शायद तुम्हारे अंदर से भी यही आवाज आएगी कि तुम्हारी यशोदा भाभी महुआ को जहर नहीं दे सकती, कभी भी नहीं। हाँ रे अम्मा, बस भी करो है? और कितने गुण गिनवाओगी तुम अपनी गुणवती बहू के, बोलो। देखो अम्मा, आदत नहीं है हमारी इसे बनाने की, लेकिन एक बात तुम ये बताओ, अगर यशोदा रानी ने जहर नहीं दिया है तो फिर क्या अपने इस घर में कोई भूत या कोई चुड़ैल रहती है जो आया, जहर दिया और चला गया है? गजब करती हो तुम भी। गुनहगार सबकी आंखों के सामने है, लेकिन नहीं, तुमको तो दिखाई नहीं दे रहा है। एक बात बताओ, तुम्हारे सामने ही उस दिन यशोदा रानी प्रसाद का गिलास लेकर के मास्टरनी के कमरे में गई थी, मास्टरनी को प्रसाद दिया, अपने हाथ से पिलाया, और हमको तो नहीं जान पड़ता है कि मास्टरनी ने उसके अलावा कुछ खाया पिया हो। तब अब बोलो। लेकिन नहीं, तुमको तो ना अपनी आंखों के साथ साथ हम सब लोगों की आंखों में पट्टी बांध के रखना, और कोई बात नहीं। अम्मा, अभी हमारे अंदर सिर्फ एक आवाज आ रही है कि हमारी बीबी पागल हो गई है। हमारा बच्चा, जिसकी हमने शक्ल तक नहीं देखी, मर गया। लेकिन उस आवाज को न्याय दिलाने के लिए कुछ भी करेंगे हम। पुलिस ने क्या, कोर्ट कचहरी, कुछ भी करेंगे, और फैसला भी हम उन्हीं का ही मानेंगे। एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाना। देखिए, देखिए आप सब हमें देखिए, क्योंकि आज हम आप सबके सामने एक बहुत बड़ी सीख बने हैं। हमें देखकर सीख लीजिए कि जब घर की इज्जत, घर की मर्यादा टूट जाती है, बड़े बुजुर्गों के साथ ऐसा होता है। बाबूजी, आप गलत समझ रहे हैं, लोग गलत बातें कर रहे हैं मेरे बारे में। लेकिन लोग चाहे जो कहे, मैं जानती हूँ सच क्या है, और सच यही है बाबूजी कि आपकी यशोदा जो कल थी वही आज है। चुप, बिल्कुल चुप। हम तुम्हें अपने घर की इज्जत बनाकर लाए थे, लेकिन आज तुमने हमारी इज्जत सड़क पर लुटा दी। और अब जब तुमने हमारी इज्जत सड़क पर लुटा ही दी है, तो तुम्हें बहू खिलाने का कोई हक नहीं है। कहां जा रही हैं, कहां जाएंगी आप? उसी घर में वापस?
पता नहीं। मैं देख लूंगी, कुछ कर लूंगी मैनेज, लेकिन यहाँ काम नहीं कर सकती हूँ अभी। बच्चों को स्कूल से लेना है, लेट हो रही हूँ। आज तक जो भी मदद की है उसके लिए थैंक यू। एक रिक्वेस्ट है आपसे, मुझसे दोबारा मत मिलिएगा प्लीज। और जो भी पैसे लिए हैं आपसे, जितनी जल्द हो सके मैं लौटा दूंगी, आई प्रॉमिस। थैंक यू। रणधीर जी, यशोदा काम छोड़ के चली गई क्या? अभी तो हमारा बदला भी पूरा नहीं हुआ और अब क्या करेंगे? अभी तो खेल शुरू हुआ है। क्या होता है जब कोई सीधा सीधा दौड़ता है ना, तो कम थकता है। जब इंसान धक्के खाता है, गोल गोल दौड़ता है ना, तो ज्यादा थकता है बेचारा। और हमारी कामयाबी के लिए यशोदा का थकना बहुत जरूरी है, ताकि जब मैं उस पर आखिरी वार करूं, उसमें इतनी ताकत भी ना बचे कि वो मेरा मुकाबला कर सके। यशोदा की बर्बादी उसके परिवार की बर्बादी है। और जानती हो, सब पता है मुझे, लेकिन मेरे पास कोई रिमोट कंट्रोल नहीं है जिससे मैं दूर से किसी की मदद कर सकूं। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिसके लिए पर्सनली मिलना पड़ता है। तो इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि मेरा इंटेंशन नहीं था आपसे मिलने का, ये आखिरी बार समझ लीजिए, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है मुझे। ओके ओके, बताइए, बोलिए। मैंने आपकी नौकरी के लिए किसी से बात की है, उन्हें सब कुछ बताया आपके बारे में, एक बार जाके मिल लीजिए उनसे। मेरे साथ तो काम करेंगे नहीं आप, कैसे चलेगा घर और कैसे पलेंगे बच्चे? पल जाएंगे। आपकी बहुत मेहरबानी है, मैं जानती हूँ कि आप मेरे भले के लिए सब कुछ सोच रहे हैं, लेकिन प्लीज अब नहीं, प्लीज। पहले से आपके बहुत एहसान है मुझ पर, अब और नहीं। और एक बात समझने की कोशिश कीजिए, लोगों को पता चल जाएगा कि ये दूसरा जॉब आप ही के हेल्प से मिला है, बात घूम के वही आ जाएगी। समझिए ना बात को, माँ हूँ मैं 3 बच्चों की। अच्छा ठीक है, नहीं करता मदद आपकी हैप्पी, लेकिन काम तो करना ही चाह रही है। तो इतने दिनों जो आपने काम ढूंढा था, मिला था आपको कहीं? चलिए एक शॉर्टकट बताता हूँ आपको, सॉल्यूशन बताता हूँ, जो इतनी सारी समस्याओं से जूझ रही ना, इससे मुक्त हो जाएंगी एकदम से। अब क्या कीजिए, आप वापस अपने परिवार के पास लौट जाइए, आत्मसमर्पण कर दीजिए। पहले भी कोई काम नहीं करना पड़ता था, चली जाएंगी अब भी कोई काम नहीं करना पड़ेगा, है ना? जो आप ये कह रही हैं कि मुझे कृष्णा की लड़ाई लड़नी है, जवाब देना है अशोक को, और ये मुझसे जो आप इतना दुखी हैं, मुझसे जो मुक्त होना चाह रही हैं, सब समस्याओं का निदान है। गो बैक टू योर फैमिली, जाइए ना। ठीक है, मत कीजिए मेरे साथ काम, उसके साथ भी मत कीजिए, लेकिन एक रिक्वेस्ट है आपसे। आज रात बच्चों के साथ एक बार घर आ जाइए प्लीज। क्यों? मैं वो माथुर साहब वाला केस जीत गया हूं, मेरी जिंदगी का एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। पार्टी रखिए, बहुत लोगों को बुलाया है, आप लोग आएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। देखिए, यही समझ लीजिए कि मेरी जिंदगी आपको फेयरवेल दे रही है।
इन्हें भी अच्छा लगेगा, चेंज हो जाएगा ना इनका थोड़ा। प्लीज आ जाइए। आपने आज तक मेरी हर बात मानी भी है, सुनी भी है, ये तो यकीन हो गया होगा कि मैंने आपका बुरा नहीं किया आज तक। इतना भी गलत आदमी नहीं हूं, इसलिए खैर बात कुछ और ही है। एक्चुअली मैं ये चाहता हूं कि वो सब लोग जो आ रहे हैं उन्हें मैं ये बता सकूं कि आपका और मेरा रिश्ता कितना पवित्र है। आपके लिए भी बहुत जरूरी है कि आप सबको ये बता सकें। प्लीज एक बार आ जाइए, प्लीज। हाँ, मैं और बच्चे आ जाएंगे। थैंक यू। मैं जाता हूँ, मैं जाऊंगा और थोड़ी देर में आ जाऊंगा। सच कहूं वहां आपके बिना उनका कोई ख्याल भी नहीं रख रहा होगा। बुआ, बुआ, मुझे भूख लगी है, खाना दो ना। सोनू खाना खा ले, फिर तुम्हें भी दे देंगे। लेकिन बुआ मुझे बहुत तेज भूख लगी है। बोला ना, सोनू खाना खा ले तो तुम्हें खाना दे देंगे। अब जाओ यहाँ से। रखो रखो रोटी। मैं जाता हूँ। क्या हुआ आस्था? दादी, मैंने एक रोटी उठा ली तो बुआ ने मुझे मारा। हाँ तो सही तो किया ना बेटा, वो तुम्हारी मम्मी थोड़ी है जिसे तुम्हारे नहीं खाने से तकलीफ होगी। हाँ, अब जाओ बाहर। जब सब लोग खाना खा लेंगे ना तो तुम्हें भी खाना मिल जाएगा। यशोदा तो है नहीं यहाँ कि सबसे पहले थाली परोस के अपनी बेटी आस्था के आगे रख देगी। हाँ, अगर सबसे पहले खाना खाना है तो जाओ फिर अपनी मम्मी के पास जाओ। नहीं चाहिए खाना। मम्मी, कृष्णा भैया के आने के बाद हम दोनों खाना खाएंगे ना? दो जूस बना। उधर कुछ जा नहीं रहा है क्या? पूछ नहीं रहे उनको? लेके जाओ ना कुछ खाने को, जल्दी कर।